हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने की आगे की साइड, अंदर या फिर बाहर आपको दर्द हो रहा है, या फिर घुटने में आर्थराइटिस की असर है और इनकी वजह से जब भी आप लंबे समय के लिए खड़े रहते हो, चलते हो, स्टेयर क्लाइंबिंग या फिर डिक्लाइन करते हो, उस वक्त आपको घुटने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, या फिर आपका जो लेग है वह बाहर की साइड पर मुड़, जिनको बो लेग बोला जाता है, और अगर आप यह सभी तकलीफों में फायदा लेना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। यहां पर आपको बहुत ही सिंपल एक एक्सरसाइज आपको सिखाने वाला हूं। अगर यह एक सिंपल एक्सरसाइज को नियमित आप करते हो तो यह घुटने की सभी तकलीफों में आप फायदा ले सकते हो। तो पहले यह सिंपल एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं किस तरीके से यह एक्सरसाइज को करना है। इनके बाद यह एक्सरसाइज के पीछे का साइंस और बायोमैकेनिक्स क्या है वह डिटेल में जानेंगे, क्यों यह एक एक्सरसाइज इतने सारे फायदे देते वह भी हम डिटेल में जानेंगे। तो यहां पर यह एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इस तरीके से सीधा लेट जाना है, दोनों पैरों को हमें इस तरीके से सीधा कर देना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। इस वीडियो में हम राइट लेग के लिए यह एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, इसी तरीके से आपको लेफ्ट साइड भी यह एक्सरसाइज कर लेनी है, यानी कि दोनों लेग को हमें यह एक्सरसाइज करानी है। तो यहाँ पर यह वाला जो लेग है, राइट लेग को घुटने में से इस तरीके से हमें बेंड करना है, जहाँ तक आपका नी मुड़ रहा है वहाँ तक ही इनको बेंड करना है, हद से ज़्यादा फोर्सफुली बेंड नहीं करना है। इनके बाद जो हमारा फुट है वह फुट को इस तरीके से जहाँ तक आप बाहर ले सको वहाँ तक इनको बाहर ले जाना है। इनके बाद फिर हमारा जो यह घुटना है, यह घुटने को इस तरीके से अंदर की साइड नीचे लेते जाना है। पर खास ध्यान में रखना है जो आपकी कमर है वह कम से कम ऊपर उठनी चाहिए, तो इस तरीके से नीचे लेते जाना है। इनके बाद जो हमारा लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को हमारे राइट घुटने के ऊपर इस तरीके से रख के फिर धीरे धीरे उनको ऊपर से दबाव देके नीचे लेते जाना है। तो यहाँ पर आपको हिप के बाजू पर जहाँ पर TFL मसल होता है, थाई के बाजू पर जहाँ पर हमारा IT बैंड होता है, वहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा। तो यह पोजीशन में आपको थोड़ी देर रुकना है, इनके बाद फिर लेग को ऊपर से उठा देना है और वापस से लेग को नॉर्मल लाना है, फुट को अंदर लेना है और लेग को सीधा कर देना है। तो इस तरीके से हमें यह एक्सरसाइज के 4 to 5 रिपीटेशन करना है। दूसरी साइड पर भी हमें यह एक्सरसाइज को रिपीट कर लेनी है। तो यहाँ पर अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वहाँ पर सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपका जो लेग है वह बाहर की साइड पर बहुत ही ज़्यादा बेंड हो गया है, तो वैसी कंडीशन में हमने जो यह एक्सरसाइज आपको सिखाई इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें लाना है, तो इनको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर यह मॉडिफाइड एक्सरसाइज करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। सिर्फ आपको एक बड़ी साइज का पिलो लेना है और यह पिलो को हमारे दो लेग के बीच में इस तरीके से रख देना है। इनके बाद यह वाले लेग को इस तरीके से बेंड करना है, इनके बाद फुट को बाहर लेना है, फिर नी को इस तरीके से अंदर झुकाते जाना है, और जो बीच में पिलो रखा है वह पिलो के ऊपर इस तरीके से इनको टिका देना है। यहाँ पर अगर आपका नी ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा है, ज़्यादा झुक नहीं रहा है, तो आपको पिलो की हाइट थोड़ी बड़ी लेनी है। इनके बाद फिर दूसरे लेग को इस तरीके से जो घुटना है इनके ऊपर रख देना है, ऊपर से दबाव देके इनको नीचे लेते जाना है। तो यहाँ पर हमारा जो घुटना है वह घुटने के ऊपर कम से कम स्ट्रेस आएगा, क्योंकि हमारा जो घुटना है वह पिलो के ऊपर सपोर्ट पोजीशन में आ गया है। तो यह पोजीशन में भी आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है, इनके बाद फिर प्रेशर को हटा देना है, लेग को ऊपर लेना है, फुट को अंदर लेना है, फिर सीधा कर देना है। तो यहाँ पर हमने यह एक्सरसाइज डिटेल में आपको सिखा दी। अभी जान लेते कि यह एक्सरसाइज के पीछे का साइंस और बायोमैकेनिक्स क्या है। इनसे पहले हम एक बात को जान लेते हैं कि अगर आप नियमित चलने जाते हो, नियमित जिम करते हो, वहाँ पर आप स्क्वाट और लंजिस वाली एक्सरसाइज करते हो, या फिर आप नियमित स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, या फिर आपके घुटने में माइनर इंजरी हुई है, या फिर आपने घुटने की कोई सर्जरी करवाई, इनके बाद आप रिहेबिलिटेशन
सेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो यहां पर आपके घुटने को सपोर्ट देना काफी जरूरी होता है। तो इनके लिए आपको अच्छी क्वालिटी की नी कैप पहननी जरूरी होती है। तो यहां पर आप ग्रीन क्योर कंपनी की नी कैप को इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों यह नी कैप को हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि यह नी कैप स्पेशली वीमेंस के लिए बनी हुई है। इनके अलावा इनके चार बड़े फायदे आप ले सकते हो। जो पहला फायदा है वह है इनका मटेरियल। इनका जो फैब्रिक है वह अच्छी क्वालिटी का है, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आपके घुटने को सपोर्ट के साथ कंप्रेशन भी मिलेगा। इनके अलावा इनका जो मटेरियल है वह ब्रीदेबल मटेरियल है, यानी कि एयर का सर्कुलेशन भी अच्छी तरीके से होगा, जो भी पसीना होगा वह पसीना भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इनका जो डिजाइन है वह एंटी स्लिप डिजाइन है, यानी कि सभी डायरेक्शन से हमें यूनिफॉर्म ग्रिप हमारे घुटने को मिलेगी। इनके अलावा इनका डिजाइन फोर वे स्ट्रेच है, यानी कि इनकी इलास्टिसिटी अच्छी है, इसलिए यह नी कैप सपोर्ट के साथ घुटने में ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करेगा, सूजन और दर्द भी हमारा कम होगा। इनके अलावा यह नी कैप पहनने में काफी आसान है, और अगर यह सभी क्वालिटी वाली हमारी जो नी कैप है इनकी कंपैरिजन मार्केट में जो अलग अलग ब्रांड की नी कैप मिलती है इनके साथ करेंगे तो हमारी यह नी कैप काफी रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो अगर आप यह नी कैप को परचेज करना चाहते हो तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाके आप इनको परचेज कर सकते हो। अभी वापस हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको सिखाई वह हमारे TFL और IT बैंड जो दो मसल है उनको स्ट्रेच देने का काम करती है। तो यह दोनों मसल को जान लेते हैं। TFL यानी कि टेंसर फेशियल लाटा हमारे हिप के बाजू पर होता है, और IT बैंड यानी कि इलियोटिबियल बैंड जो कि एक मसल नहीं है, फाइबरस टिश्यू का बैंड है, वह हमारे थाई के बाजू पर होता है। जहाँ पर TFL खत्म होता है वहाँ से यह IT बैंड शुरू होता है और घुटने के बाजू पर इस जगह पर वह अटैच होता है। तो यहाँ पर हम IT बैंड को मसल ही बुलाएंगे। तो यहाँ पर यह एक्सरसाइज TFL और IT बैंड को रिलीज करने का काम करती है। तो यहाँ पर यह दो मसल हमारे लोअर बॉडी के लिए काफी जरूरी होते हैं। अगर आप नियमित जिम करते हो, वहां पर स्क्वाट और लंजेस करते हो, नियमित चलने जाते हो, स्टेयर क्लाइंबिंग और डिक्लाइन बहुत ही ज्यादा करते हो, नियमित आप स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी करते हो, और इनके साथ अगर आपके कोर मसल वीक है तो हमारे TFL और IT बैंड के ऊपर काफी ज्यादा लोड आता है, वह धीरे धीरे टाइट होने लगते हैं। और अगर आप यह दोनों मसल को रिलीज नहीं करते हो तो लंबे समय के बाद यह दोनों मसल इतने ज्यादा टाइट हो जाते हैं कि फिर हमारे लोअर बॉडी का जो बायोमैकेनिक्स होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे लोअर बॉडी और खास करके हमारे घुटने के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो बोन्स होते हैं, उनके ऊपर बाहर की ओर पुलिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाती है, और इनकी वजह से फिर तीन खराब इफेक्ट हमारे घुटने के ऊपर आती है। जो पहली इफेक्ट आती है वह हमारा जो पटेला जो नी कैप है इनके ऊपर आती है। बाहर की साइड पर पुलिंग इफेक्ट आने की वजह से यह पटेला बाहर की साइड पर ट्रैक करना शुरू कर देता है, फिर इनकी नीचे की जो सरफेस होती है वह नीचे की साइड पर जो फीमर बोन होता है इनके संपर्क में आ जाती है, वहां पर फ्रिक्शन पैदा होता है। इनकी वजह से जब भी आप स्क्वाटिंग करते हो या फिर स्टेयर क्लाइंबिंग और डिक्लाइन करते हो, घुटने को बेंड करने वाली एक्टिविटी करते हो, तो यहाँ पर यह जो नीचे की सरफेस है वह घिसती है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, सूजन आता है, दर्द होता है घुटने के आगे और बाहर की साइड पर आपको दर्द होता है, जिनको पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम या फिर कोंड्रोमलेशिया पटेला बोला जाता है। दूसरी इफेक्ट हमारे घुटने के अंदर की साइड पर आती है, जो अंदर की साइड पर जो यह मिडल कंपार्टमेंट होता है इनका स्पेस धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, वहां पर भी फ्रिक्शन पैदा होता है, सूजन आता है, दर्द आता है, जिनको घुटने का आर्थराइटिस बोला जाता है, घुटने की अंदर की साइड पर खास करके चलते वक्त हमें दर्द होता है। तीसरी इफेक्ट हमारे जो लेग होता है इनके शेप के ऊपर आती है, हमारा लेग बाहर की साइड पर मुड़ना शुरू हो जाता है, जिनको बो लेग बोला जाता है। तो अगर आप अपने घुटने को यह तीन खराब इफेक्ट से बचाना चाहते हो तो आपको नियमित यह दोनों मसल यानी कि TFL और IT बैंड को रिलीज करना खास जरूरी होता है। इनके लिए यहाँ पर हमने जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको सिखाई इनको नियमित आप जरूर शुरू कर दीजिए। तो आशा रखता हूँ कि
होगी, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।